अभी रास्ते पे भी ऐसे रेड कलर की गाड़ी दिखी तो ये है पुष्पा की गाड़ी। Hey guys, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो पुष्पा मीट्स मंगल सीनू सीन ऑफ अल्लू अर्जुन। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अल्लाह मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां चेन्नई जाना है, पर अब तक यही है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहे। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तो मुझे फोन करो। और पता है तुम लोगों को इनाम क्यों मिलेगा? 50 लाख। ओके। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बाबा। क्या सीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन एक नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है, लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो। मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गांव रेड्डी को जानता है ना? हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। हाँ। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी टूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरे खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुँचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है, कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना, उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है, उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है, वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है, एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। ए मोगरिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो, पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना जरा इधर देखो। नहीं
आधे अधूरे करता है। लगा लग देना। चलो बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। बाप रे कैसे धड़ाधड़ मार रहे ना इंसान को। जैसे वो क्या बोलते, पेड़ पौधे उतने उगने के लिए खत लगता है, वैसे उनको खत बना दिया उसको, और फिर अभी बंजर जमीन पे कुछ उगाएगा। ओ गॉड, मतलब ये कितना रिस्की काम है। देखो इसको मैं भाई मानता था, अपने भाई के जैसे मानता था, जिससे उसके इतने सारे काम होते थे, इतने सारे प्रॉफिट से, जो कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हो गया तो धाड़ गया, मतलब जान से ही हाथ धोना पड़ता है। देवा अब ये वाला काम संभालेंगे कौन, तो पुष्पा। बाप कसम, क्या कुछ क्या डायलॉग था पूरे सीन में अल्लू अर्जुन का, था ही नहीं, सिर्फ उनके एक्सप्रेशन और जो कैमरा एंगल और उनका वॉकिंग स्टाइल हो या सारे स्वैग हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी से भरा हुआ था। जैसे कि जैसे उन्होंने इंट्रो दिया पे, हाँ उसमें भी रहते ना कुछ ऐसे गांव में जैसा होता है वैसे टाइप के, अच्छा लग रहा था। क्या लोकेशन ढूंढ के निकाला पुलिस की, तो मतलब दिमाग ही घूम जाता होगा यार, मैं कैसे पकड़ू इनको, हमेशा इनका अड्डा चेंज होते रहता है, इतने अंदर अड्डा होता है इतना सारा, और करोड़ों का माल, कितने लॉरी इसके उन्होंने, बहुत सारे थे, बट 200 करोड़ का तो माल, माफ कसम। ओके तो अल्लू अर्जुन का जैसे इंट्रोडक्शन वो दे रहे थे, अल्लू अर्जुन जस्ट एंटर, मतलब गाड़ी देख के समझ में आ गया अभी अल्लू अर्जुन की गाड़ी, मतलब अभी रास्ते में भी ऐसे रेड कलर की गाड़ी दिखी तो ये है पुष्पा की गाड़ी, ऐसे टाइप का हो गया। ओके सो अल्लू अर्जुन आ गए, क्या है उनके पास माचिस नहीं था, बस माचिस जलाया एंड वो आई टू आई उनका एक्सप्रेशन जो था, वो देखने का तरीका था, वो जिस तरीके से सब कुछ था, इट वॉज खतरनाक, लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक था ये जो कुछ भी था। बैकग्राउंड म्यूजिक जब वो चल रहे थे, वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जिस तरीके से मंगल सिंह ने बोला कि मुझे इसके इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है करके, नहीं कहते ही नो उसकी कितना स्मार्ट है पुष्पा, एंड हम लोगों ने देखा है कि पुष्पा द रूल आएगा ना इसके, बहुत क्लाइमेक्स सीन पे मैंने रिएक्ट किया है, तो अभी इट इज गोइंग टू बी वाओ। बट ये ना सीन्स कहां से ढूंढ के निकाले रहे, ऐसी जगह, ऐसे ट्विस्टेड रस्ते एकदम सब कुछ, एंड देन वो अड्डा, शूटिंग के लिए कितना टाइम, मतलब मैं सिर्फ बिहाइंड द सीन्स वाला सोच रही हूँ, शूटिंग के लिए कितना टाइम लग गया होगा, क्या क्या कितने लोकेशंस किए होंगे, क्या क्या चीजें करना पड़ा होगा इन लोगों को, इतने वो वुड लॉग्स लोरी भर के, अच्छा समझो डैम सीन के लिए इतने सारे वुड लॉग्स वगैरह सब कुछ, हाय खतरनाक है ये, कुछ अलग लेवल पे है सीरियसली। आपको और भी ऐसे सीन्स देखने हैं और कौन सा सीन देखना है फ्रॉम पुष्पा, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, और अगर और देखने हैं सीन्स तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज प्लीज करो, बाकी फर्क नहीं आ लेता।